रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन नंबर 3 है पोटेंशियोमीटर वायर का, उसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। पहले क्या बनाना है, पोटेंशियोमीटर बनाना है, पोटेंशियोमीटर वायर ले लेते हैं, राइट ना, वेरी गुड। यहाँ पर क्या होती है, मेटल स्ट्रिप्स होते, कितने होते हैं, ओके ऐसा होता है ना, कितने भी ले सकते, तीन ही जरूरत नहीं है, आगे दिल बोला तो और आगे ऐसा भी ले सकते हो, वायर बड़ा है बोलने का, समझा कि नहीं, एक्स्ट्रा लार्ज वायर है, उसमें क्या है, है कि नहीं, हर चीज को उतने गिनते लिखे 3 4, ये क्या है, कितने भी ले सकते भाई, है कि नहीं। अब रेजिस्टेंस के अंदर डिसाइड करता है ऐसा कितने लेना, तो क्या बात है बॉस, कहाँ, यहाँ से, हाँ यहाँ, यहाँ कहाँ, इसके नीचे और चौथा, एक ही, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इधर, हाँ, वायर को ऐसा, भाई तू सोचना जरा, दिमाग लगा, अगर मैं ये वायर ऐसा आ रहा, ठीक है, मैं वायर को ऐसा खींचूंगा तो ना ऐसे छूटेगा ना, ये ऐसी स्थिति में मिसाल के तौर पे, तो क्या बोल रहा, वायर को ऐसा लो, ऐसा लो, फिर ऐसा खींचो, तो ना ऐसा खींच में यहाँ जिग-जैग करेगा, नहीं हो जाएगा ना उन्हें, क्या यार हुसैन, चलो हाँ, क्या क्या रहता ना, वो इस तो बोल रहे लपटा ऐसा बोल रहा, जिग-जैग में है, फिर उतना बड़ा रहा तो लपेट सकते हैं, लेकिन नहीं लपेटना मुश्किल है, क्यों, दूसरा बार, एक बार दूसरे को टच हो तो रेजिस्टेंस चेंज होता, समझ रहे कि नहीं, करंट फ्लो हो रहा ना, लपेटे वाला मतलब, लपेटने का मतलब ऐसे 4-5 घेरे नहीं है, एक घेरा है ऐसा, इसको बोले लपेटे वाला, समझा, ऐसा समझ रहे, जैसे मेरा हाथ है तो इसको एक धागा लपेट भी सकता, मैं कई धागे भी लपेट सकता, ऐसी बात है। चलो क्या करते पहले, अरे भैया ऐसा नहीं लेता मैं, कैसा, खुचो 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 खुचो, हो गया, वेरी गुड। अब क्या करते बेटा, अपन यहाँ पर मेटल के स्ट्रिप्स लगा लेते, ओके यहाँ मेटल स्ट्रिप लगा दो, यहाँ मेटल स्ट्रिप लगा दो, और यहाँ मेटल स्ट्रिप लगा दो, राइट, ओके राइट। अभी क्या करना है, यहाँ पर अपने को, ओके हाँ, यहाँ पर एक बैटरी ज्वाइन करना है, खुचो 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 खुचो, फिर की ज्वाइन करना है, हाँ उसके बाद रोस्टेड ज्वाइन करना है, राइट ना, ऐसा हाँ, वेरिएबल रेजिस्टेंस आर एच, ओके ना, ओके आ जाओ यहाँ पर, पॉइंट पॉइंट, ओके चले, यहां से क्या करते हैं आप, सेल सेल, बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है, बैटरी बड़ी है, सेल छोटी है, हाँ ये एक रहा ऐसा तो इसको सेल बोलते हैं, और ज्यादा रहे ऐसे तो उनको बैटरी बोलते, राइट ना, हाँ क्योंकि बैटरी के अंदर एक से ज्यादा सेल होते हैं, बैटरी जब बनी होती है उसमें सेल ज्यादा लगे हुए, राइट ना, प्लेट्स रहते सेल्स के, ओके। अब यहाँ पर क्या इसका, अच्छा बैटरी का थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसका अपने को मालूम करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। फिर यहाँ क्या करेंगे बेटा अपन, बोलो, हाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे, और साथ में यहाँ पर इसकी छोटी सी की ज्वाइन कर देंगे, क्या नाम है इसका, के वन, इसका ई, इसका के, इसका नाम प्लस माइनस, प्लस माइनस, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है ई का, और एक्सटर्नल कैपिटल आर, राइट ना, गैलोमीटर जी, यहाँ पर जॉकी, अच्छा पॉइंट देंगे बाद में, अभी बात नहीं, डायग्राम कंप्लीट हो गई क्या, बस क्या करें अपन ने, पोटेंशियोमीटर वायर लिए, पोटेंशियोमीटर डिवाइस पूरा ले लिए, और उसके अंदर एक सेल ज्वाइन करें, उसके अक्रॉस में क्या ज्वाइन करें, हाँ सेल के अक्रॉस में एक रेजिस्टर जिसकी वैल्यू अपने को मालूम है ना, ये नोन रेजिस्टर है, अनोन है क्या, नोन है, रेजिस्टर बॉक्स से एक रेजिस्टर लगा दिया,
काम नंबर एक क्या करने का इसके अंदर देखो, सबसे पहला काम जो आपने की है ये वाली की, इसको क्या करने का, क्लोज करने का, ठीक है ना, ओके। और ओपन किसको रखने का, के वन को ओपन रखने का, ठीक है, ओके ना, समझ आ रही बात। के ये जो की है अपनी के, इसको क्लोज करेंगे और इसको ओपन रखेंगे, तो करंट किधर से जाएगा, ऐसे ऐसे यहां भी जाएगा और यहां पर जाएगा, लेकिन यहां पर करंट नहीं जा सकेगा, नीचे करंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा नीचे करंट, क्योंकि सर्किट ओपन है, यानी यहां पर करंट जाने का चांस नहीं है। अब करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा, राइट, गैलोनोमीटर से आया और जॉकी के पास आ गया। अपन क्या करेंगे, ए से लेके बी जो वायर है उसके ऊपर जॉकी को मूव करते रहेंगे, और इस तरह से मूव करते रहेंगे जॉकी को कि कहीं ना कहीं अपने को गैल्वेनोमीटर करंट जीरो हो जाए। गैल्वेनोमीटर करंट जीरो होने का मतलब क्या है, हाँ मतलब ये है कि पोटेंशियल पॉइंट ए और ये पॉइंट जो जहां पर भी अपने गैल्वेनोमीटर करंट जीरो मिलेगा, जिस पॉइंट पे उसका पॉइंट नाम दे देंगे डी वन, ओके। पता ये चला कि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हुआ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ, यानी ए और डी वन के ऊपर जो पोटेंशियल है वो सेम हो गया, ए पे जितना है डी वन पे उतना हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो तो कौन बराबर होता उसके, ईएमएफ के, यानी पता चला पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि ई वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए डी, ए से लेके डी वन की लेंथ। मैं क्या करता हूँ, ए से लेके डी वन की लेंथ को क्या मान लेता हूँ, एल वन, तो मैं क्या कर लेता हूँ एल वन लेंथ, यानी यहां से लेके यहां तक की लेंथ एल वन, तो ई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एल वन, इक्वेशन नंबर वन दे देंगे। क्लियर हो रहा, चालू है ना उन्हें, ओके। अभी क्या करना है अपने को, अब आना है अपने को किधर, सेकंड केस के अंदर, केस नंबर टू में क्या करना है, की के इसको भी क्लोज करना है और की के वन इसको भी क्लोज करना है, यानी अब देखो करंट कैसा जाने वाला है, यहां से यहां जंक्शन पे आके इसमें भी करंट जाएगा, इसमें भी करंट जाएगा, इसमें भी करंट जाएगा, तीनों में करंट जाएगा, यहां से इधर भी जाएगा, इधर से इसमें भी, इसमें भी, राइट, ओके। अब केस नंबर टू के अंदर क्या करें अपन ने, की के को भी क्लोज रखे जैसे कि वैसे रिमेन क्लोज, ओके, और के टू के वन जो थी उसको भी क्लोज कर दिए, वेरी गुड, राइट। अब करंट सब में से फुल, गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो हो रहा, यहां पर आ गया करंट। अब अपन टच करते गए ए से लेके बी में वायर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट मिला जिसके ऊपर गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा, जीरो डिफ्लेक्शन। वो कंसिडर करेंगे कि वो पॉइंट कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल डी टू है, तो ए से लेके डी टू तक की लेंथ, ए से लेके डी टू तक की लेंथ कितनी ले लेंगे, एल टू ले लेंगे। अब तुम्हारे को बात मालूम है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर की वजह से क्या होने वाला है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने वाला है या नहीं, नहीं होने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हुआ मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, करेक्ट ना, चले तो V इज इक्वल टू क्या बन जाता, KL2, इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा EY V E1 by V इज इक्वल टू KL1 by KL2, ओके, के के कैंसिल, E1 by V इज इक्वल टू L1 by, वेरी गुड, इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अभी मुझे किसकी किसकी वैल्यू मालूम करनी है, E1 की और V की, ओके ना। E1 की वैल्यू कहां से मालूम करेंगे, E1 की वैल्यू KVL से, और V की वैल्यू ओहम्स लॉ से, करेक्ट ना। चलो ओहम्स लॉ से कैसे मालूम करते हैं, बाय दी ओहम्स लॉ, हाँ ओहम्स लॉ से कैसा करते बोलो, V इज इक्वल टू, अभी करें ना अपन ने सब ये, चलो, और बाय KVL, ओके ना, ओके, कहां करेंगे अप्लाई, अप्लाइंग KVL इन लूप, लूप कंसिडर करो, चलो P Q R S, P Q R S, आज ऐसी बनी लूप, लूप की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी, राइट, करंट की डायरेक्शन ऐसी है, करंट कैसे जा रहा देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता, खाली इस लूप में देखना है, हाँ सिर्फ इस लूप में देखो, ऐसे करंट जा रहा, अपलिटेशन ऐसे, तो पहला E1, अब पॉजिटिव पे गए अपन, तो क्या होगा, माइनस की प्लस, माइनस E1, क्योंकि अपन ने पहले पॉजिटिव मिला अपने को, फिर R पे आए, प्लस में स्मॉल R, स्मॉल R1, यानी स्मॉल R के ऊपर आए अपन, हाँ यहाँ पर,
करंट ऐसे जा रहा, अपन ऐसे जा रहा, हाँ अपन अपोजिट जा रहे, तो अपन अपोजिट जा रहे ना, तो प्लस दी करंट, फिर नीचे आए, फिर यहाँ पर आए, करंट कैसे आ रहा, ऐसे आ रहा, और अपन ऐसे जा रहे, तो क्या होगा, प्लस में आई आर इज इक्वल टू राइट क्या। अभी क्या कर लेते, माइनस इवन को उधर भेज देते हैं, तो उन्हें क्या होता, आई आर प्लस में आई आर इज इक्वल टू माइनस का इवन होता है प्लस इवन। अच्छा आई आई कॉमन है, बाहर निकाल देंगे, आई आर प्लस आर इज इक्वल टू इवन। अरे हाँ इवन की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, आई ऑफ स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये अपने को। वी की वैल्यू भी मिल गई ओम्स लॉ से, और ईएमएफ इवन की वैल्यू मिल गई अपने को केवीएल से। डिटेल समझाया ना इससे पहले आपको सब, ये शॉर्ट रिविजन करा रहा अभी। हाँ चलो अब इवन देख लेते, रुको रुको उसको मत करो, यहाँ एडजस्ट कर लेता मैं इसको, है ना, कर लू ना एडजस्ट, हो जाता है एडजस्ट इंशाल्लाह इसमें। चले अभी इक्वेशन थ्री से आ जाओ, अपन वैल्यूज को पुट कर लेते फ्रॉम इक्वेशन। चलो इक्वेशन थ्री क्या है बताओ, इवन बटा वी इज इक्वल टू एल वन बटा एल टू, वैल्यूज को पुट करो, इवन कितना है, आई आर डिवाइडिंग बाय आई ब्रैकेट ऑफ बोलना बेटा, आई ऑफ ब्रैकेट ऑफ आर प्लस कैपिटल आर डिवाइडिंग बाय आई आर, राइट क्या, ओके वी है अपने पास आई आर, और ये मिल गया आई आर प्लस इज इक्वल टू एल वन बेटा एल टू, समझ रहे इतना। चलो नीचे का ऊपर का आई कैंसिल, तो क्या हुआ, आर प्लस कैपिटल आर डिवाइडिंग बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू एल वन बाय एल टू। आर को सेपरेट करेंगे तो आर बटा आर प्लस आर बटा आर, है ना, इज इक्वल टू एल वन बाय एल टू, ये आर आर कैंसिल, क्या बचा, आर बटा आर इज इक्वल टू एल वन बटा एल टू, ओके ना। यहाँ पर कौन बचा, प्लस वन था यहाँ पर आर बटा आर, और ये यहाँ पर वन वन हो गया, तो यहाँ पर वन बचा इज इक्वल टू एल वन बटा एल टू, आर बटा आर प्लस कौन उधर गया, एल वन बटा एल टू माइनस में वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलो आर डिवाइडिंग बाय आर इज इक्वल टू एल वन माइनस एल टू डिवाइडिंग बाय एल टू, करेक्ट, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो जाएगा कैपिटल आर ऑफ, इसको उधर भेज दिया मैंने, एल वन माइनस एल टू डिवाइडिंग बाय, हो गया बेटा, ये था अपना टू रेजिस्टेंस, टू डिटरमाइन द अननोन, नहीं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, समझ रहा, ये अपनी फाइनल इक्वेशन है आर वाली, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो अपने पास लेंथ मेजर करना कोई हार्ड काम है क्या, कुछ नहीं भाई, स्लाइड करो यहां से यहां तक की लेंथ मेजर करो, यहां से यहां तक की लेंथ, यानी दोनों नॉन क्वांटिटी से या नॉन लेंथ, नॉन क्वांटिटी से, ओके। अभी रेजिस्टर जो है तो अपने को मालूम है कि नहीं मालूम इसकी वैल्यू, तो सेल का देखो पोटेंशियोमीटर के जरिए से क्या क्या मालूम कर सकते, कंपेरिजन भी कर सकते, किसी एक सेल का ईएमएफ भी मालूम कर सकते, और साथ ही साथ सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर के जरिए से, समझ में आ गया, तो दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ओके। चलो